रात के अंधेरे में मंत्री से माफी मांगने पटना के एसएसपी और डीएम साहब उनके आवास पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए कि जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से कोशिश होती है कि इस बात की जानकारी को छुपाया जाए कि हम मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि कल दिन में मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को जिस प्रकार से रोका गया था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता एक साथ खड़ा हो गया और फिर यह मजबूरी हो गई थी उन अधिकारियों के लिए कि माफी मांगी जाए। कल दिन में विधानसभा के अंदर जमकर बवाल मचा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि राज्य में अफसरशाही हद से ज्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी बकायदा इस बात की जानकारी मांगी गई और इसके बाद से अधिकारियों द्वारा सफाई भी दी गई कि यह सब कुछ अनजाने में हुआ है और इसके लिए हम जांच भी कराएंगे। लेकिन फिर भी जब मंत्री जी मानने को तैयार नहीं हुए तो रात के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाकर पटना के एसएसपी और डीएम मंत्री जी के आवास पर पहुंचते हैं। और जब वहां पर इसके बारे में मीडिया को पता चल जाता है तब गाड़ी को लेकर वे भाग भी जाते हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट हुए तो प्रशासन बैकफुट पर आ गई है और शायद नीतीश कुमार की भी मजबूरी है कि वे चुपचाप यह सब कुछ देखते रहे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के नेता तो खुद अफसरशाही का आरोप लगाते रहे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो दो दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट हुआ, हमको एग्जाम कराए, रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है सो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम क्या ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं, ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम उस पर कंसल्ट किए, बातचीत किए, बातचीत होने के बाद जो है उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। कल दिन में मंत्री जीवेश मिश्रा विधानसभा पहुंचे थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि डीएम और एसएसपी की गाड़ी को निकलना था। इस बात से मंत्री जी नाराज हो गए और वहीं बाहर आकर कहने लगे कि हम सरकार हैं और इसके बाद से कहने लगे कि तुम सबको निलंबित होना होगा। इसके बाद से गुस्से में मंत्री महोदय विधानसभा सदन के अंदर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर भी विधानसभा में वे अपनी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं आज सदन में थोड़ी देर से पहुंचा क्योंकि मेरी गाड़ी को रोक दिया गया और इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि डीएम और एसएसपी की गाड़ी को निकलना था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि सीएम साहब का काफिला गुजर रहा है इसीलिए मुझे रोका गया है, लेकिन जब मुझे पता चला कि एसएसपी और डीएम की गाड़ी को निकलने के लिए मेरे गाड़ी को रोका गया है तब यह सवाल मेरे मन में आता है कि क्या सरकार बड़ी है या कोई डीएम या एसपी बड़े हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि अध्यक्ष महोदय इस बात का जवाब दे कि आखिरकार कोई एसपी बड़ा है, कोई डीएम बड़ा है या फिर कोई मंत्री बड़ा है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बिहार के अधिकारी अब सरकार से भी बड़े हो गए हैं। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा मचा और सबसे जरूरी बात है कि विपक्ष की पार्टियां भी इसमें जीवेश मिश्रा के साथ खड़ी थी। इसके पहले विपक्ष की तरफ से भी कई बार यह आरोप लगाया जा चुका है कि सरकार के अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को नहीं सुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रश्न को जमकर उठा रहे हैं। कल जब यह घटना हुई तब उसके बाद सबसे पहले सड़क पर हंगामा हुआ तो इसके बाद से विधानसभा में हंगामा हुआ और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसी बात को दोहरा दिया तब भाजपा के तमाम नेता इस बात को लेकर आवाज उठाने लगे। उससे एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में भी इसी प्रश्न को भाजपा के नेताओं ने उठाया था कि आखिरकार किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई अधिकारी कुछ समझता क्यों नहीं है। इसके बाद से रात के अंधेरे में पटना के एसएसपी और डीएम साहब मंत्री जी के पास पहुंचते हैं और कहा गया कि वे दिन में हुई घटना के लिए माफी मांगने गए हैं। इसमें एक हैरान करने वाली बात थी कि एसएसपी की गाड़ी पर जो एसएसपी का बोर्ड लगा होता है उसे ढक दिया गया था लेकिन वहां मौजूद कुछ मीडियाकर्मियों ने जब उसे हटाकर देखा तो वह एसएसपी की ही गाड़ी थी और इसके बाद से वहां से अधिकारी भागने लगे। एक और बात है कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एसएसपी की गाड़ी ही नहीं है लेकिन वह गाड़ी एसएसपी की ही थी। इसके अलावा कल गृह विभाग के अधिकारी भी सामने आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि अनजाने में यह गलती हुई है और हम इसकी जांच भी करा रहे हैं। गृह विभाग के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि किसी ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। अब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी रिपोर्ट मांगा गया और कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास जब रिपोर्ट आएगी तब वे इस पर कुछ बोलेंगे और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इसके पहले भी जनप्रतिनिधियों के लिए कैसा व्यवहार किया जाए इसको लेकर बोला जा चुका है। फिलहाल कल हुए हंगामे के बाद से पटना के डीएम
और SSP खुद मंत्री के आवास पर उसे माफी मांगने पहुंचे थे। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और मंत्री जीवेश मिश्रा ने उस समय, मतलब कि रात के समय, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गलती DM और SSP की नहीं थी और इस पर कुछ भी फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। तो बाकी आगे देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं। आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।